सारी गाड़ियों के बोनट ओपन करके दिखा रहे हैं। 2013 मॉडल 2,99,000 रुपए में दे दिया यार एचएम कार्स ने 2014 की। स्टर पे ये ट्रेनों पे सीएनजी सक्सेसफुल है या नहीं है? नहीं करा रहे काम क्योंकि रेट टू रेट गाड़ियां देने का इस टाइम मन बनाया हुआ है। ये क्या मॉडल है? ये 2009 मॉडल है। पेट्रोल है? पेट्रोल है, टॉप मॉडल। सस्ती गाड़ी ढूंढ रहे हो और काफी सारी वीडियो देखते हो कि यहाँ आ जाओ इतनी सस्ती मिल जाएगी, वहां आ जाओ इतनी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या होती है वो आपको नहीं पता होता कैमरे के पीछे की। लेकिन आज की जो डीलरशिप है हमारे चैनल की, वो रियलिटी में आपको देते हैं दिल्ली की सस्ती गाड़ी। 4 लाख से ऊपर कोई सी भी गाड़ी लेकर नहीं जाते अपने बजट में और स्टार्ट कर देते हैं 1.5 लाख में। मिलती है क्वालिटी गाड़ी और बड़ी बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो दोस्तों आज आ चुका हूँ एचएम कार्स पे, जो अब टोटली डस्टर का और साथ ही साथ ट्रेनों का भी काफी अच्छा कलेक्शन लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। बाकी एचएम कार्स के ओनर को हमारे हिमांशु सर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या रेंज में गाड़ी देते हैं और क्या क्या क्वालिटी रखते हैं। हिमांशु सर कहाँ छुपे हो? कहीं नहीं छुपे, आपके व्यूअर्स का प्यार का ही इंतजार है और जो हर बारी की तरह हमेशा मिलता ही रहता है। आज क्या देख रहा हूँ मैं, डस्टर के साथ साथ ट्रेनों की भी काफी अच्छी वरायटी है, सीआरवी वगैरह भी रखी है। आज सीआरवी भी रखी है, प्राइस हमेशा की तरह ऑल इंडिया चैलेंजिंग प्राइस, कंडीशन ऐसी कि कहीं ना मिल पाए वैसी कंडीशन। मैं काफी सारी वीडियो देख रहा हूँ, सारे यही कह रहे हैं कि सस्ती गाड़ी हम पे मिलेगी, सस्ती गाड़ी यहाँ से ले जाओ वहाँ से ले जाओ, क्या है ये चीज? सस्ती के चक्कर में क्या लोगों को फंसा रहे हैं? लोग फंसा तो नहीं रहे, मैं ये तो नहीं किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, अदरवाइज हम भी उसी रैट रेस में शामिल हो जाएंगे जो रैट रेस आजकल चल रही है। हर कोई आजकल यूट्यूब पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो दूध से नहाता हूँ बाकी सब चोर हैं। अच्छा, मैं दूध से नहाता हूँ, बहुत लोग मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स भी डीलर्स भी कि मैं दूध से नहाता हूँ बाकी सब चोर हैं। कस्टमर जो आ रहा है, जो व्यूअर आ रहा है, वो अपने आप में ही बहुत समझदार है, वो कोई बेवकूफ नहीं आ रहा। हम लोग गारंटी लेते हैं अपनी गाड़ी की, किसी भी गाड़ी में अगर इंजन में अबनॉर्मल साउंड निकलती है, धुएं देती गाड़ी निकलती है, गाड़ी एक्सीडेंटल निकलती है, वी आर रेडी टू गिव इट ऑन द स्पॉट एज अ गिफ्ट। ये हम कोई गिफ्ट नहीं बांट रहे, ये कोई खैरात नहीं लगी हुई जो हम बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल हम मेहनत से लेकर आए हैं, बिल्कुल हम कमिटमेंट दे रहे हैं सिर्फ लोगों को, अश्योरिटी दे रहे हैं, एक तरीके की कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारी गाड़ियों में नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट का किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुराने बैठे हैं और एक ही जगह पर शुरू से काम कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन की भी पूरी गारंटी होगी, गाड़ियों की कंडीशन की भी पूरी गारंटी होगी, अदरवाइज आप अपनी तसल्ली करिए, आप अपनी तरफ से गाड़ी चेक करके लेके आइए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत है, आप जाकर कहीं और से भी गाड़ी अगर आपको बेटर रेट पे मिल रही है, आप जाकर गाड़ी देखिए, फिर आप आइए हमारी गाड़ी देखिए, कंपेयर कीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। बिल्कुल, तो बाकी कलेक्शन दोस्तों आज हमारे पास काफी सारा है, फटाफट दिखाऊंगा कलेक्शन, स्क्रीन पर नंबर है उस पर आपको कॉल करना है और सारी गाड़ी की और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या विजिट कर सकते हैं एचएम कार्स, चल के दिखाते हैं कलेक्शन। पहली गाड़ी एचएम कार्स की और सबसे सस्ती गाड़ी आज एचएम कार्स की, सबसे सस्ती गाड़ी i10 फर्स्ट ओनर 2011 मॉडल, 1.5 लाख की रेंज में प्रोवाइड करा देंगे गाड़ी। वेरिएंट इरा, एरा वेरिएंट है, 1.5 लाख रुपए है, 2010 मॉडल एंड इंजन देखो पेट्रोल का है, एमरॉन की बैटरी। गाड़ी हमारे ही नाम पे फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर आपके ही नाम पे, हमारे नाम तो भाई मतलब घर की गाड़ी है, साफ सुथरी गाड़ी मिलेगी एचएम कार्स के ओनर के नाम है। जितनी भी गाड़ियां हैं सारी 40,000 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 80,000 तक चली हुई है। ओके, एंड सेकंड गाड़ी में देख रहा हूँ होंडा की सीआरवी हमारे पास है, 7 सीटर, और हमने लास्ट टाइम 7 सीटर एक और सीआरवी दिखाई थी 2008 मॉडल। ये क्या मॉडल है? ये 2009 मॉडल है, पेट्रोल है, टॉप मॉडल है, इंजन 2009 का पेट्रोल, कोई आवाज कुछ नहीं, शांति एकदम, बिल्कुल शांत। अगर इंजन में नॉर्मल साउंड हुआ, एसी ना चल रहा हुआ, गाड़ी धुएं देती हुई, तो हम लोग आपको श्योरिटी दे चुके हैं टिकट एज अ गिफ्ट। भाई टॉप है, सारी चीजें आपको कंपनी फिटेड फुली लोडेड मिलती है। 2009 का मार्केट रेट है 3.25 लाख रुपए, हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, कोई मार्केट रेट नहीं, 1,99,000 में 2008 दी थी पिछले वीडियो में, 1,99,000 में 2009 भी ले जाओ, 9 भी देंगे भाई, टॉप मॉडल है, सिर्फ 1,99,000 ऑल ओवर इंडिया की आपको एनओसी मिल जाएगी, ऐसी जहाज जैसी गाड़ी कहीं और इस रेटों में तो नहीं मिलने वाली, तो फटाफट नंबर पे कॉल करो, डील ग्रैब करो। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? एक्सेंट,
2014 मॉडल, 2014 मॉडल टॉप मॉडल पुश बटन स्टार्ट फर्स्ट ओनर। ओके इंजन देखो एक बार, एसेंट का भी इंजन देखो आप। चलो पहली दोनों गाड़ियां पेट्रोल थी, ये डीजल है। ये डीजल है, ये डीजल इंजन है। कितना माइलेज आता है इसका? 25 2014 वेरिएंट टॉप मॉडल, जो इसमें सबसे ऊपर मॉडल आता है SX पुश बटन स्टार्ट अलॉयज सब कुछ। ओके क्लाइमेट कंट्रोल। गाड़ी का प्राइस 2,69,000। दोस्तों किसी भी गाड़ी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जो भी रेट है फाइनल रेट होते हैं। और मार्केट कंपेयर करना उसके बाद HM कार्स के भी रेट देखो, फर्क आपको पता चल जाएगा। बाकी ट्रेनो और डस्टर का हमारे पास काफी बेहतरीन शानदार कलेक्शन है। एंड होंडा सिटी सर मेहरून कलर की हमारे पास, और लास्ट वीडियो में भी हमने देखी थी ये गाड़ी 2014 मॉडल। अब जितनी भी गाड़ियां दिखाएंगे डीजल की होंगी और सब पे ऑल इंडिया एनओसी अवेलेबल होगी। ओके 2014 मॉडल लेटेस्ट शेप की जो होंडा सिटी है, एसवी मॉडल, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ। गाड़ी का प्राइस जो समर कहेंगे, मैं जो कहूँ 2,99,000। 2,99,000 रुपए में दे दिया HM कार्स ने 2014 की डीजल की होंडा सिटी। ऑल ओवर इंडिया एनओसी आपको मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया एनओसी मिल जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि हम इसपे भी जाकर कुछ ना कुछ कम करा लेंगे, तो आप लोग कहीं और से भी ट्राई कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल यार 299 में क्या 2014 डीजल की सेडान गाड़ी, वो भी होंडा सिटी मिलती है। जो मैंने आपको एश्योरिटी दी है नॉन एक्सीडेंटल की, इंजन की, और कोई भी गाड़ी धुएं देती नहीं होगी, वो सभी पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं वो ज्यादा सस्ती दे रहा हूँ तो उस पे एप्लीकेबल, वो सभी पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल अब दिखा देते हैं दोस्तों ट्रेनो का कलेक्शन दिखा देते हैं। तो पहली ट्रेनो सर क्या डिटेल है गाड़ी की? 2014 मॉडल, सारी ट्रेनो फर्स्ट ओनर होंगी। 85 भी है, 110 भी है। 2014 मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन फर्स्ट ओनर। गाड़ी का प्राइस 2,89,000। ये 85 है, 110 में 85 110 होगी, आपको स्पेसिफिकली बताएंगे, अदरवाइज आप 85 मान के चलिए। ओके ओके एक और अपने पास ग्रे 2014 मॉडल फर्स्ट ओनर, ठीक है, प्राइस 2,99,000। 14 मॉडल 2,99,085 एंड 85 में फीचर्स एक बार बता दो क्या मिल जाते हैं सर? एसी हीटर पावर स्टीयरिंग ऑल पावर विंडोज फुली लोडेड होती है। फुली लोडेड गाड़ी में कोई काम खर्चा कोई कुछ नहीं? काम खर्चा पेंट पुंट क्या है गाड़ी में? ये वाली सर 100% ओरिजिनल है, आप एक बार ही आइए दिखाते हैं 100% क्लोज आ जाओ। बम्पर पे हल्का सा आपको मिलेगा स्क्रैच, नहीं करा रहे काम क्योंकि रेट टू रेट गाड़ियां देने का इस टाइम मन बनाया हुआ है। ओके स्क्रैचेस एज इट इज है, एज इट इज और ना के बराबर स्क्रैचेस है, ऐसा भी नहीं कि आपको आने के बाद पसंद नहीं आई। बिल्कुल 2,99,000 आने के बाद तो गाड़ी आप मना ही नहीं कर सकते कि कंडीशन में फेल हो रही है, क्योंकि कंडीशन A1 की रखते हैं, प्राइस A1 की रखते हैं, लेकिन एंड्रॉइड भी लगा हुआ है उसके अंदर इस गाड़ी में जी। एंड्रॉइड भी लगा हुआ। ओके एक और निसान 2014 मॉडल सेकंड ओनर। ओके 3,09,000 बढ़ गया प्राइस। क्यों बढ़ गया प्राइस सर? अपने आप व्यूअर्स दिमाग लगाएंगे कि गाड़ी का प्राइस उसकी कंडीशन के हिसाब से होता है। प्राइस सस्ता देख के जो लोग कूदियां मारते हैं ना, वो कूदियां ही मारते हैं। ठीक है जी, चली कितनी रास्ते में सेकंड ओनर में चली कितनी? सारी गाड़ियां 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में चली होंगी, एग्जैक्टली तो याद नहीं, शायद ये गाड़ी 55,000 के करीब चली। ठीक है तो भाई 3,09,000 में 2014 मॉडल की एक और मिलती है। एंड अगेन अलॉय टायर इस गाड़ी में लगे हुए हैं, हल्की पुल्की रूफ पे टेपिंग है, बोनट पे टेपिंग हुई है। क्या डिटेल है? 14 है 15? 2015 मॉडल। ओके 3,59,000 3,59,000 में 15 मॉडल की, 15 ये भी 85 है फर्स्ट ओनर। एंड देख रहा हूँ मैं अपने पास गाड़ियों में सीट कवर्स वगैरह बाहर से लगे हुए हैं, गाड़ी में कोई काम खर्चा नहीं, कोई काम खर्चा नहीं है सर। गाड़ी सबके एसी वर्किंग है, सबके इंजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन के हैं। ओके पूरी गारंटी है, जो मैं आपको दो चीजों की गारंटी देता हूँ, इंजन और नॉन एक्सीडेंटल की, जब आप आएंगे यही वर्ड्स मैं आपके सामने रिपीट भी करूंगा। बिल्कुल करेंगे। बाकी फाइनेंस वगैरह का क्या रहता है 15 मॉडल पे या 14 मॉडल पे? 15 मॉडल से ऊपर फाइनेंस हो जाएगा, पेपर में आपके दम होना चाहिए। सिबिल स्कोर अकेला ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, आपकी अर्निंग कितनी है पेपर्स पे वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो बेसिकली उसी चीज को आपका प्रोफाइल बोलते हैं। बिल्कुल अगर आपके प्रोफाइल में होगा दम तो 50% लोन कराएंगे तब भी। बिल्कुल तो आपकी भाई स्टेटमेंट बताती है बैंक की, आपकी अर्निंग क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है। बाकी एक और ट्रेनो है हमारे पास, बोनट वगैरह भी दिखा देते हैं एक बार व्यूवर्स को, ये जो दूर दूर से गाड़ी देख रहे हैं पहले उसका भी दिखा देते हैं, वो रह गया कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसका भी दिखा देते हैं दोस्तों 15 मॉडल का एक, ये देखो बोनट। गाड़ी का बोनट देख के आप पता चल जाएगा आपको कि गाड़ी कैसी है, साफ सुथरी है, बैटरी वगैरह काफी ज्यादा प्यारी एमरॉन की लगी हुई है। पिछला भी रह गया था समर, तो कोई बात नहीं, रॉ वीडियो दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, सारी गाड़ी का दिखाना हमारा काम है, फर्ज है हमारा, क्योंकि आप दूर दूर से गाड़ी लेने आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग सिर्फ भरोसे पर ही आते हैं गाड़ी लेने, गाड़ी देखते हैं वीडियो में फोटो में और यहाँ तक आ जाते हैं दिल्ली खींचे हुए गाड़ी लेने, क्योंकि रेटों में गाड़ी मिल जाती है आपको दिल्ली में HM कार्स पे। इस ट्रेनो को भी पहले हम बोनट ही दिखा देते हैं, उसके बाद डिटेल बताते हैं आपको। मॉडल है XV टॉप 110 85 एंड बोनट में कोई काम खर्चा कोई रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं सर। साउंडलेस एकदम 100% साउंडलेस गाड़ी आपको मिलती है। क्या डिटेल है गाड़ी की?
2015 मॉडल टॉप मॉडल XV 3 लाख 69,000 2015 की, एंड एक और अपने पास 1860 डीएल, सारी गाड़ी डीएल नंबर है हमारे पास, सारी गाड़ियां डीएल नंबर है। ओके 2015 मॉडल टॉप मॉडल फर्स्ट ओनर XV गाड़ी का प्राइस 85 पीएस में 3 लाख 89,000 जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं 4 लाख से अंदर अंदर आपको दिखाएंगे गाड़ियां दोस्तों, 379 में ले जाना 10,000 और कम, 10,000 और कम कर दिए। चलो एक और अपने पास प्राइस जो वीडियो में बता रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट एंड बॉटम प्राइस है। ओके 110 पीएस एक गाड़ी सिंगल हमारे पास, टेरेनो और भी है 110 में। ओके और भी है डस्टर और भी है, ठीक है। और गाड़ी का प्राइस फर्स्ट ओनर का टॉप मॉडल XV 110 पीएस में प्राइस 3 लाख 99,000। ये भी 15 मॉडल, तो अपने पास 14 मॉडल के 3 ऑप्शन है, 15 मॉडल के 4 ऑप्शन अभी यहाँ पर एट द टाइम है, बाकी कैटलॉग पर आपको और भी गाड़ियां अपडेट, और भी टेरेनोस हैं और भी डस्टर्स हैं, ठीक है। तो अपना ये क्या मतलब माइंड प्लान है कि टेरेनो और डस्टर पे ही फोकस करना है, मार्केट में और कुछ लेना ही नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी टाइम बाद में देख रहा हूँ i10 ली है आपने, CRV ली है, बाकी ज्यादा फोकस तो अपने पास डस्टर का और टेरेनो का, डिमांड ज्यादा है इनकी, थोड़ी सी डिमांड ज्यादा है, व्यूअर्स है इनके देखने वाले, व्यूअर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं इस टाइम पे बहुत भीड़ आ रही है बाहर से। अच्छा जी, बहुत ज्यादा। तो भाई ऑल ओवर इंडिया से कोई भी ये वीडियो देख रहा है HM कार्स की और ट्रेनो डस्टर या CRV जैसी बड़ी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1,99,000 में आपको 2009 मॉडल मिलती है, जिसकी अभी दिल्ली में भी देखा जाए तो भी है 8-10 महीने 12 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल सर, और दिल्ली से बाहर तो आपके स्टेट में 5 साल की और वैलिडिटी आपको मिल जाती है सभी गाड़ियों पे डीजल की। बाकी अब दिखा देते हैं डस्टर का मेला, कलरफुल कलेक्शन के साथ हमारे पास रेनॉल्ट डस्टर है, व्हाइट ब्राउन रेड सिल्वर ग्रे सतरंगी 2013 मॉडल फर्स्ट ओनर RXL फर्स्ट ओनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन गारंटीड, गाड़ी का प्राइस 2,99,000 में आपको मिलती है व्हाइट कलर की, बने रहना 2.5 लाख की रेंज में भी दे देंगे बिल्कुल, बस बने रहना सब चीज मिल जाएगी आपको। एक और देख लो, सारी गाड़ियों के बोनट ओपन करके दिखा रहे हैं 2013 मॉडल, और डस्टर का जो इंजन है 1.5 लीटर में आता है और टेरेनो का कितने में आता है? सेम, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है, टेरेनो की डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है थोड़ी सी, इससे ज्यादा देखें तो बल्कि भी है, हैवी भी है। तो भाई 1500 cc में इंजन आपको मिल जाते हैं दोनों को, पावर भी आपको काफी अच्छा मिलता है, इसकी क्या रिटेल है? 2013 मॉडल फर्स्ट ओनर 85 पीएस प्राइस 2,79,000 में। किसी को टॉप मॉडल में चाहिए 2013 मॉडल हमारी कैटलॉग में है, उसका भी प्राइस 2,99,000 है। ओके वो आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। रेड 2013 मॉडल इंडिया चैलेंजिंग प्राइस फर्स्ट ओनर, गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट निकलता है टिकट एज अ गिफ्ट, ठीक है। गाड़ी का प्राइस 2,69,000 तक आ गए भाई, 2013 की 2,69,000 में आपको मिल जाती है। एक और डस्टर रेड कलर की 2015 मॉडल फर्स्ट ओनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन जबरदस्त 85 पी। 2015 मॉडल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2015 मॉडल भी आपका 2-3 दिन पहले वीडियो देख रहा था, मेरा वीडियो 4 लाख रुपए, प्राइस 3,39,000 फर्स्ट ओनर 2015, और कितना मिल रहा था? 4 लाख रुपए मार्केट में बिल्कुल मिल रहा था। तो भाई आ जाओ यार, काफी अच्छे डिस्काउंट पे गाड़ियां दिलवा रहे हैं आज आपको, आज की वीडियो जरूर देखना पूरी। एंड एक और सिल्वर 2015 मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन की, गाड़ी का प्राइस 85 पीएस, गाड़ी का प्राइस 3,59,000 उसका 3,69,000 यार, कितना ये गैप कैसे हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग सर, ये इतना जो गैप। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग आकर बोलते हैं, जैसे मैं ये गाड़ी अब 4 लाख की दिखाने लगा हूं, तो वो बोलते हैं आपने 339 में वो दिया, वो ये भी दो ऐसा कैसे हो सकता है यार, कंडीशन मैटर करती है गाड़ी की, मॉडल भले से आपको 15-15 मिल जाएगा, टॉप मॉडल गाड़ी का और RXL का सेम रेट नहीं हो सकता, RXZ का रेट ज्यादा होता है। 2015 मॉडल टॉप मॉडल RXZ ओके, एंड इसका भी बोनट देखो यार, सारी गाड़ी के बोनट मतलब खोल के दिखा देते हैं, मेहनत हम यही कर देते हैं सारी की सारी, बस आपको वीडियो देखकर आना होता है। अब इसके पैसे बोलो, इस 15 के क्या पैसे? 3,99,000 मॉडल RXZ 110 पीएस ओके, तो भाई आपको ये वाली मिल जाती है थोड़ी सी महंगी, लेकिन 4 लाख के अंदर 3,99,000 रुपए में टॉप मॉडल। अब एक चीज ये बताओ, डस्टर पे या ट्रेनों पे CNG सक्सेसफुल है या नहीं है? अगर कोई लेने के बाद सोचे कि मैं CNG लगा लूं, माइलेज मेरी बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, इंजन खराब, सक्सेसफुल ही नहीं है। अच्छा, ये गाड़ियां सिर्फ डीजल में ही कामयाब है। अच्छा, डीजल पे माइलेज भाई जैसे हम बता चुके हैं 22-25 डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग कंडीशन, बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली आपकी 20 तो आपको मिल ही जाती है माइलेज। आप ट्रेनो ले लो या डस्टर ले लो, दोनों में से कोई सी भी पेट्रोल ले लो, ले रहे हो तो फिर पेट्रोल में ही चलाओ, पेट्रोल ले रहे हो तो पेट्रोल में ही चलाओ, ठीक है। मतलब CNG नहीं है सक्सेसफुल? नहीं सर,
तो भाई मत लगवाना सीएनजी आफ्टर मार्केट कहीं से भी, डीजल है तो डीजल पे ही चलाओ, अच्छी माइलेज आपको डीजल पे ही मिल जाएगी, सीएनजी लगाकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। बाकी एचएम कार्स की गाड़ियां दोस्तों क्वालिटी के साथ साथ मेंटेन भी रहती है, रोज की रोज आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कोशिश लास्ट टाइम हमने देखा था कम कलेक्शन था, आज देख रहा हूं मैं ट्रेनों की अपने पास 4 से 7 ऑप्शन और आ गए हैं। बिल्कुल, अभी तो हम बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो जगह की शॉर्टेज होने की वजह से वीडियो में नहीं दिखा पा रहे। 2016 मॉडल भी हमारे पास सिल्वर कलर में डस्टर अवेलेबल है, रेड कलर में डस्टर अवेलेबल है, सारी गाड़ियों का हमारा प्रॉमिस है 4 लाख से नीचे नीचे प्रोवाइड कराने का। 2016 मॉडल भी 389 में प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल, अब जैसे कोई नहीं आ रहा है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी से, एक बार थोड़ा खुल के बताओ कैसे क्या होता है ट्रांसपोर्ट का। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, साउथ में अगर आप ट्रांसपोर्ट कराते हो अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार रुपए का खर्चा लगभग आ जाता है। बिल्कुल, हम लोग वो भी 18-19 हज़ार में प्रोवाइड करा देंगे, हाफ में करा देंगे, उसमें भी 50% तक करा देंगे हम लोग भाई। साउथ साइड 18 से 20 हज़ार रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर 30-35 हज़ार रुपए नॉर्मली लगता है अदर्स की जो मैं बात करता हूँ, तो आपको 18 से 20 हज़ार रुपए देना है, घर बैठे आपके घर पर गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, बस आपको पेमेंट करनी है, आपको ट्रैक आईडी मिल जाती है या आईडी मिल जाती है, जो भी आपको एक बेल्टी का पेपर होता है, जो भी उनका ट्रांसपोर्टर का पेपर होता है वो मिल जाएगा आपको, आप उसके साथ अपनी गाड़ी ट्रैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिल जाती है, बस आपको करना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल या विजिट करना है, अगर आप दिल्ली आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एड्रेस पे। तो इसी नोट के साथ करेंगे आज की वीडियो एंड, और बहुत जल्द मिलेंगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में।